सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मोशन मींस गति से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप में से किसी को दिक्कत होगी तो आप उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। डैश इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसका आंसर है सर्कुलर मोशन। इसमें जो फोर पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अलावा मैं सिर्फ आंसर बोलने वाली हूँ, तो आप अपना ये एक बार इन पॉइंट्स से देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है और इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करिएगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है तो हम उसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो किसके डायरेक्शन में के ऑपोजिट होती है, सो इसका आंसर है वेलोसिटी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो टाइप्स होते हैं एक्सेलरेशन के। ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, वो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑडोमीटर का यूज़ क्या, किस चीज़ के मेजरिंग के लिए किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स का मतलब जितने भी व्हीकल्स होते हैं, कार, बस, ट्रक, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। इनके अंदर एक डिवाइस होता है, मेजरिंग डिवाइस, जिसे ऑडोमीटर कहते हैं। तो ये क्या चीज़ को मेजर करता है, सो इसका आंसर है डिस्टेंस। ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, सो इसका आंसर होगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आपको फोर पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हम कॉन्स्टेंट रहती हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज नहीं होती हैं। इसका आंसर है मास, क्योंकि वेट, ग्रेविटी या फोर्स इन सब में वेरिएशंस आ जाती हैं लेकिन मास में कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस। स्टेशनरी बस का मतलब होता है जब बस रुकी हुई होती है, बिगिन्स टू मूव, जब रुकी हुई बस एकदम से चलने लग जाती है तो जो भी पैसेंजर उसमें खड़ा हुआ होता है तो वो पीछे की साइड क्यों अपनी बॉडी को पुश हुआ देखता है या उसे ऐसा फील होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, इनमें से कौन सा लॉ इस सिचुएशन को डिफाइन करता है, सो इसका आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, मतलब थ्री लॉज ऑफ मोशन है वो, प्लस इक्वेशन न्यूटन की तीनों, और ये जो बेसिक डेफिनेशन है लाइक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको वीडियोस के लिंक या फिर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कॉमेंट करके मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है अगर वो जीरो है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, सो आंसर इसका क्या होगा, जीरो। आपको पता होगा अगर कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना आता है कि जो डिस्टेंस है वो लार्जेस्ट पाथ होता है कवर एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू। जब हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं तो जो उसमें एफ है वो किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पे मास है, ए एक्सेलरेशन है। फोर्स के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में मोशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक या डिसलाइक जो भी करना है बट किया कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सबको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या फिर उनमें कुछ कमी है। थैंक यू सो मच।